ये हो जाता, सुनो पहले। अरे सत्ता के दलाल, सत्ता के दलाल, सत्ता के दलाल, सत्ता के दलाल, तुम कह रहे 50 साल। इस लड़के ने बीजेपी की तरफ से पूछने वाले पत्रकारों की पखिया कैसे उधेड़ दी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी का इसने मजाक बनाया, दलालों वाला पत्रकारिता बताया। अरे सत्ता के दलालों शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, 50 साल की बात करते हो ना। मोदी का विरोध देश का विरोध है। मैं कहाँ कर रहा हूँ विरोध, तो आप कर रहे हैं। मैं कहाँ कर रहा हूँ भैया मोदी विरोध, मैं करने वाला कौन होता हूँ? मैं करोड़ रोजगार का सवाल पूछे भाई, जब सब बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, पीए के ऊपर कब्जा होगा, सही खुश है, आप भी तो कांप रहे। उस लड़के से दलाल पत्रकार कहते हैं कि मोदी जी से पूरा देश कांप रहा है, चीन कांप रहा है, तो उस लड़के ने उनकी पखिया उधेड़ दी, उनकी बोलती ही बंद कर दी, कहा कि आप भी तो कांप रहे हैं। कैमरामैन को दिखाते हुए कहा कि देखिए इनका पूरा पैर कांप रहा है, आप भी तो कांप रहे हैं। ए कैमरा वाले नीचे करिए, पैर इनका कांप रहा है शंभू जी का। अरे नीचे करियो ना भैया, ए सत्ता के दलालो नीचे करियो, नीचे करो भैया, देखो नीचे। मैं क्यों बोलूं, बोलने की हिम्मत है? अरे जब आप सुनो, जब पत्रकार उस लड़के से कहता है कि आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है मोदी जी से, तो वो लड़का उधेड़ते हुए कहा कि आपकी बोलती बंद हो जाती है, आप तो पत्रकार हैं, आपकी बोलती बंद हो जाती है तो मैं तो एक कठपुतली हूँ। अरे ए पत्रकार सत्ता के दलाल, तुम्हारी जब हिम्मत नहीं पड़ती तो मैं तो कठपुतली हूँ, मैं तो उनके इशारों पे ही नाचूंगा जब आप लोग। सत्ता का दलाल है बिल्कुल। फिर इस लड़के ने सारे न्यूज चैनल को, सारे रिपोर्टर, सारे एंकर को दलाल बताया और रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप को तो एक ना छोड़ा, सभी को दलाल कह दिया। रूबिका दलाल है, सब दलाल है भैया, अंजना दलाल है, सिर्फ एक ही मर्द था भाई पत्रकारिता का दंगा आपको याद होगा, उसके बाद में मनमोहन जी ने सदन में हाथ जोड़ के सिखों से माफी मांगी थी। 2002 वाले दंगे के लिए मोदी जी मुसलमानों से माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनावत का नाम सुने हैं? सुने हैं। उसने कहा है कि 2014 में भारत आजाद हुआ जब मोदी, देखिए इस पत्रकार ने क्या कहता है, जब 2014 में मोदी जी आए हैं तब देश आजाद हुआ है और देश एक तकनीकी सहायता से आगे बढ़ा है और देश में बहुत कुछ मिला है। उसी वक्त इस लड़के ने उनकी खाल उधेड़ दी और कहा कि पहले तब तो मैं नंगा नाचता था। देखिए इस वीडियो में, मोदी जी आए हैं ना तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया, पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे, तभी तो ये दीपिका, मुझे तो लगता है कि 2014 से पहले आज निकली है, तभी आधी कच्ची उसकी दिख रही है, बस आधे कपड़े दिख रहे हैं उसके। तो अरुणों की बात कर रहे हो, अंजना की, जो कहती है मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है। अरे कब, सुनो सुनो पहले सुनो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, आप नहीं बोलोगे पहले मैं बोलूंगा, ऐसे तो करते थे। तो आपने देखा कैसे ये पत्रकार मोदी जी पर सवाल करके अपना ही कटवा डाला, सभी की पुंगी बजा दिया इस लड़के ने, सभी पत्रकारिता को अपना अंदर लिया और सभी को बुरी तरह दबोचा। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।